शाजापुर जिले के काला पीपल में डिप्टी कलेक्टर श्रीमती जूही गर्ग ने पूरे अमले के साथ दुकानों का औचक निरीक्षण किया, जहां शासन द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसमें सैनिटाइजर एवं मास्क का दाम शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। निर्धारित दाम से अधिक दाम पर बेचने पर शासन द्वारा त्वरित कार्यवाही किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस दौरान मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करते हुए 100 ग्राम सैनिटाइजर का मूल्य 130 रुपए लिया गया, जबकि शासन द्वारा 100 ग्राम सैनिटाइजर का निर्धारित मूल्य 50 रुपए है। अधिक लेने पर शासन के वस्तु अधिनियम अंतर्गत पंचनामा तैयार कर मेडिकल को सील कर दिया है और पूरी कार्यवाही के दौरान तहसीलदार राजाराम एवं नायब तहसीलदार शत्रुघ्न चतुर्वेदी द्वारा पूरे नगर के प्रमुख चौराहों पर अनाउंसमेंट के माध्यम से जागरूक भी किया गया है। आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित दर पर ही भुगतान करें। सभी किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष को भी हिदायत दी गई है कि निर्धारित मूल्य से ज्यादा पर कोई भी दुकानदार विक्रय न करे, शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही एक नगर में मेडिकल स्टोर पर सैनिटाइजर अधिक दाम पर बेचे जाने की शिकायत सामने आई थी, वहीं सभी किरानों की दुकान पर जो ज्यादातर बिकने वाली चीजें हैं उनका शासन द्वारा मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसकी रेट चस्पा कर दी गई है, जबकि कोई दुकानदार रेट लिस्ट से अधिक मूल्य पर कोई भी चीज बेचता हुआ पाया जाता है तो तत्काल कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी शाजापुर राजेंद्र व एसएस खत्री, ड्रग इंस्पेक्टर प्रीत स्वरूप, नगर परिषद सीएमओ व काला पीपल पटवारी के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद। देखिए, मास्क और सैनिटाइजर हमारे यहाँ पे आवश्यक वस्तु अधिनियम में सम्मिलित किया गया है शासन द्वारा। इसको जिसने भी ऊंचे दाम पे बेचा तो उस पर प्रशासन त्वरित कार्यवाही करेगा। हमारे द्वारा दुकानों का निरीक्षण किया गया। एक दुकान है यहाँ पे बालाजी मेडिकल स्टोर, उस पर जो सैनिटाइजर है वो 130 रुपीज़ का 100 ml सैनिटाइज़र बेच रहा है, जो कि निर्धारित शासन की जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। तो इस पे हमारे द्वारा उसका उस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम में उसका उसकी पंचनामा बनाकर और उसका केस बनाकर हम ऊपर कलेक्टर साहब को प्रस्तुत करेंगे और अभी वर्तमान में उसकी दुकान सील कर दी गई है। किराने की दुकानों में भी होम डिलीवरी, यहाँ पे प्रशासन ने होम डिलीवरी इंश्योर करवाई है। दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन वो लोग घर घर लोगों को वस्तुएं उपलब्ध करवा रहे हैं और हमने उनका भी निरीक्षण किया है। वहाँ पे भी रेट लिस्ट चस्पा की गई है कि जो ज़्यादातर बिकने वाली चीज़ें हैं उनका रेट प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया है, उससे ऊँचे दाम पे कोई भी ना बिक। चलो, पर ये जो अचूक निरीक्षण किया जा रहा है, जी जी, किस आधार पे किया जा रहा है? कलेक्टर साहब के निर्देशन अनुसार हम लोग आज काला पीपल आए थे और सभी व्यापारी को हमने रेट लिस्ट यहाँ पे सभी दुकानों में चस्पा कर रहे हैं और इसी रेट पे बेचे वो, और इसके अलावा कोई कालाबाजारी नहीं करे, ज़्यादा रेट ना ले और अपने जैसे पैक्ड आइटम होते हैं तो MRP जो लिखी रहती है उससे ज़्यादा रेट ना ले, और ये हिदायत दी हम लोग। दुकान खुलने का समय क्या निर्धारित किया गया है? समय अभी तो जिला स्तर पे तो अभी दो दिन के अंतराल पे खुलना है। कैसा दो दिन का मतलब? दो दिन बाद के बाद खुलना है, दो दिन गैप रखना है। हर दो दिन का गैप? हाँ जी जी हाँ। इसका कोई समय? इसका समय सुबह से है, मतलब सुबह 9 से 1 बजे तक है। सर, वहीं कहीं कालाबाजारी की खबर आ रही है कि ओवर रेट बेचा जाता है? जी जी जी। पान मसाले में बहुत लूट की जा रही है। हाँ, तो आपका क्या क्या उसके संबंध में? हम लोग कालाबाजारी के संबंध में हम लोग अगर रेट ज़्यादा लेता है तो हम पे शिकायत कर सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट में। और जी जी, और इसके अलावा जो सिविल सप्लाई है, सिविल सप्लाई नाप तोल भी उस पर कार्रवाई कर सकता है।